टाइम मेरा इंस्टा 360 भी खराब हो गया शायद। ये हमारा घर अगले 2 या 3 दिन मस्कोखा मैं पहुंच चुका हूँ, तो बाकी मैं आपको घर दिखाता हूँ अंदर से। Room number 1, Room number 2, Kitchen, Dining area, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट जो Room number 1 से आता है, बालकनी। बस यहाँ पर ये है कि आराम से बैठे रहो, यहाँ पर बालकनी बहुत बड़ी है और बस दूर देखते रहो। बालकनी में एक और डोर है जो हमें सीधा लेके जाता है सिटिंग एरिया में। तो कैसा लगा आपको घर? अभी हमने लंच वंच कर लिया है, 3-4 घंटे की ड्राइव थी हमारी, रेस्ट करते हैं फिर शाम को थोड़ा सा चिल करेंगे लेक के पास जाके। A few moments later. हमने डिसाइड करा थोड़ा सा स्विमिंग करने जाते हैं क्योंकि शाम को पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। It was at this moment that he knew. He fucked up. मेरा इंस्टा 360 भी खराब हो गया शायद। माँ की आँख। क्योंकि यहाँ से पानी चला गया है। ये चल नहीं रहा ढंग से। इंस्टा 360 चल नहीं रहा था लेकिन फिर भी हमने कुछ शॉट्स लिए। मतलब उसका एक लेंस खराब हो चुका था और एक लेंस से रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि हम यहाँ पर सारी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकते थे लेकिन स्टैंड अप पैडल बोटिंग ही अवेलेबल थी, इसलिए हमने वही करी। यार मैं ऐसे सिचुएशन में आके फंस गया था कि हवा जो है मेरे एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं एकदम लेक के ऑपोजिट एज पे ना पहुंच जाऊं। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ज़्यादा बोलने वाली वीडियो नहीं करी मैंने क्योंकि सब में एक्शन हो रहा था एंड एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड। मीनवाइल राम 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 था। अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए। बोट राइड कर रहे थे इसकी वजह से 3 जने अलाउ थे, 2 जने बड़े कॉन्फिडेंट थे और 1 जना बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, उसकी वजह से बोट पलट गई। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद हम सीधा अपने घर पे आ गए, थोड़ा सा चिल किया और उसके बाद जब शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, मतलब ऐसा सनसेट मैंने कभी नहीं देखा।
और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिख रही थी कलर्स की, बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल लग रहा था। ये सनसेट हो रहा है और सनलाइट यहाँ तक आ रही है। बारबेक्यू करने के लिए रेडी हो गए हम लेक के पास, चिप्स खा के। Day 2। आज का जो ब्रेकफास्ट बनाया गया है वो है पिज्जा। पता नहीं पिज्जा ब्रेकफास्ट के लिए कौन खाता है, और साथ में दी चाय। ब्रेकफास्ट करके जल्दी से रेडी होके मैं सीधा चला जाता हूँ लेक के पास। यहाँ के ओनर का डॉग है और इसको हमेशा बांध के रखते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? तो यारो अब हम निकल चुके हैं सिल्वर लेक के लिए, जो कि यहाँ से 10-15 मिनट दूर है, और फिर वहाँ पर थोड़ी सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है तो वो करेंगे, जैसे कि कायकिंग। एक से दो घंटे बीच में स्पेंड करने के बाद हम वापसी अपने घर आ गए। Day 3। आज के दिन हम यहां से निकल जाएंगे। बिफोर दैट Thank you.